हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नाजी क्लासेस। आज आपको मैं अकाउंटिंग रेशियो में कराने वाली हूँ सोल्वेंसी रेशियो। यस, हमने लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं इसके। आज हम जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सोल्वेंसी रेशियोज। ये जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज इस वीडियो में आपसे मैं सोल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में ही डिस्कस करूंगी कि सोल्वेंसी रेशियोज़ कितने तरह की होती है, सोल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको सोल्वेंसी रेशियोज़ को निकालने के पीछे कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये जो सोल्वेंसी रेशियो है कंपनी इसलिए कैलकुलेट करती है जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि फर्म कितनी ज़्यादा एबल है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मीटअप करने के लिए। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो कंपनी है वो सोल्वेंसी रेशियोज को इसलिए निकालती है जिससे कंपनी को ये पता लगे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मीटअप कर पाएगी टाइमली। लिक्विडिटी रेशियो में क्या था कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो मीटअप कर पा रही है, लेकिन सोल्वेंसी रेशियोज हम इसलिए निकालते हैं जिससे कि हम फर्म की साउंडनेस को निकाल पाए, फर्म की एबिलिटी को समझ पाए कि क्या फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मीटअप कर पाएगी जब भी वो लायबिलिटीज ड्यू होंगी। ये जो रेशियोज है ये रिवील करती है कि कितना पैसा, कितना अमाउंट प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है और कितना अमाउंट दूसरे सोर्सेज से लिया गया है। प्रोप्राइटर यानी वो बंदा जो कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है, यानी मालिक का पैसा हम कह सकते हैं। कितना तो मालिक खुद लगा रहा है पैसा अपनी तरफ से और कितना वो बाहर दूसरों से उधार पर ले रहा है, इन अदर वर्ड्स बिल्कुल साधारण शब्दों में। ठीक है, सोल्वेंसी रेशियो फर्म की वो एबिलिटी को डिस्क्लोज करती है कि क्या फर्म अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को मीट कर पाएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्म ने बाहर पैसा उधार पर लिया है, तो अगर मान लीजिए बैंक से लोन लिया तो बदले में एक फर्म क्या देगी, बैंक को ब्याज देगी उस लोन पर, तो उस फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गई, कॉस्ट, खर्चा हो गई। ठीक है, क्या फर्म अपनी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस कॉस्ट को आराम से पे कर पा रही है बिना किसी डिफिकल्टी के, क्यों? सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, सोल्वेंसी रेशियो बताता है। सोल्वेंसी में आप चार तरह की रेशियो को पढ़ेंगे, सोल्वेंसी में आप 4 रेशियोज को पढ़ेंगे। पहली रेशियो आप पढ़ेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो। पहली जो आपकी रेशियो होगी दैट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरी रेशियो आप पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। थर्ड रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। And the last one is interest coverage ratio। आप इस solvency ratio जो कि next type है ratio की, उसमें आप further 4 ratios को study करेंगे। ओके, आज हम बात करने वाले हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है, इसका पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो पहले हम इसे कोई समझेंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे, इसकी आइडल रेशियो को समझेंगे, एंड देन हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम डेप्ट इक्विटी रेशियो के करेंगे। ओके, चलिए तो इसी को ही हम पढ़ते हैं, व्हाट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। आप इसमें इस नाम को ही देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो। आप ना इमेजिन करके चलिए, आप एक कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप एक कंपनी स्टार्ट करेंगे कुछ पैसा तो आप खुद से भी लगाएंगे ना, आप एक कंपनी के मालिक हैं तो कुछ पैसा आप अपने आप से लगाएंगे और कुछ पैसा आप बाहर से उधार पे लगाएंगे। उसी को हमने क्या नाम दे दिया, डेप्ट इक्विटी रेशियो नाम दे दिया। डेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, बोरोड कैपिटल, यानी वो पैसा जो कंपनी बाहर आउटसाइड सोर्सेज से ले रही है, उधार पर ले रही है, फॉर एग्जांपल बैंक से ले रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ओके, एंड इक्विटी में क्या आएगा, यानी
आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, यानी कंपनी जिसका पैसा लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकती है। इक्विटी का मतलब यानी मालिक का पैसा, और डेब्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने वो पैसा उधार पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो की कंपनी अपने पूरे फाइनेंस का कितना पोर्शन तो खुद लगा रही है और कितना पोर्शन वो बाहर उधार से उधार पर ले रही है। ओके, ये होती है आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो। और इसमें हम इसका जो फॉर्मूला होता है ये रेशियो निकालने का, दैट इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, डेब्ट को आप ऊपर लिख दीजिए, इक्विटी को आप नीचे लिख दीजिए। इसकी जो आइडल रेशियो होती है वो हम 2:1 मानते हैं। ये क्या कहा जाता है कि अगर कंपनी का डेब्ट ट्वाइस है इक्विटी के कंपैरिजन तो भी इसको हम ठीक मानते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने 200,000 रुपये बाहर से लिए और कंपनी ने 1,00,000 रुपया खुद लगाया, तो इसको भी हम एक तरीके से साउंड मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, क्योंकि कंपनी अपने उस 200,000 जो कंपनी ने बाहर से लिया उसको कहीं ना कहीं इजिली पे कर सकती है। लेकिन अगर ये रेशियो हाई होती गई ना, 3:1, 4:1, तो ये कंपनी के लिए रिस्की होता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया है कि 2:1 को हमने आइडल रेशियो माना, कम है ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो डेब्ट वाला प्रपोर्शन है वो इक्विटी से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एक बर्डन आ जाए, ठीक है। इसलिए इसकी जो आइडल रेशियो उसको हम क्या मानते हैं, 2:1 मानते हैं। होप आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो में कि यहाँ पर हमने 2:1 क्यों लिया, कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं कि जो हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो कंपनी इन द सेंस, देखिए अगर आपने पैसा किसी लेंडर का मतलब होता है जिससे आप पैसा उधार पर ले रहे हो, अगर बैंक से पैसा ले रहे हो उधार पर तो बैंक लेंडर हो गया, ठीक है। अगर आपका ये 2:1 की बजाय 6:1 हो जाए या 4:1 हो जाए, तो उस केस में जो डेब्ट वाला प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डेंजर सिग्नल, एक खतरे की घंटी का काम करता है उन लोगों के लिए जो पैसा कंपनी को उधार पर दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या कंपनी हमारा पैसा दे भी पाएगी, क्योंकि कंपनी ने खुद का पैसा बहुत ही कम लगाया है, ले इतना रही है बाहर से, क्या कंपनी सारा पैसा जितना भी बाहर से वो ले रही है क्या वो दे पाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी का काम कर देता है लेंडर्स के लिए, डेंजर सिग्नल का काम कर देता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो को हमने बिल्कुल आइडल माना, 2:1, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कंपनी की रेशियो हो जाती है तो वो उसके लिए डेंजर सिग्नल का काम करती है, ठीक है। अब डेब्ट में क्या क्या चीज़ें आती है और इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती है। डेब्ट में आपका आएगा फॉर एग्जाम्पल कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लेकिन आपका शेयर होल्डर फंड। इक्विटी में क्या आएगा, आपका शेयर होल्डर फंड, यानी वो पैसा जो शेयर होल्डर्स लगा रहे हैं, जो कंपनी के मालिक लगा रहे हैं। आपको पता होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपकी इक्विटीज आ गई, आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी आप इस पोर्शन के अंदर शेयर कैपिटल लेंगे कंपनी की एंड आप लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीज़ें आपकी इक्विटी में आएंगी। एंड डेब्ट में आपका आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, सो हम जब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल तो आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो फटाफट एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल पास कर दीजिए एंड एक पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, ठीक है। एंड आप अच्छे बच्चे की तरह इसको एक बार अच्छे से बुक से और रिवाइज करेंगे, मैं डीके गोयल की बुक से करा रही हूँ। एंड आपका आई होप यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच, आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से वीडियोस को शेयर करते रहे एंड अपना सपोर्ट आप मुझे देते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।